हे एवरीवन, तो मैं आज जा रही हूँ रिपोर्टिंग के लिए नागपुर फाइनली। तो चलिए मिलते हैं नागपुर में। फाइनली हम नागपुर पहुँच चुके हैं। ये नागपुर स्टेशन के पास में एक ब्रिज है जिसे वहाँ पर राम झूला कहा जाता है, और इस ब्रिज को पार करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है। फाइनली यहाँ पे आ जाता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। मेन गेट से घुसने के बाद सबसे पहला ब्लॉक जो आता है, दैट इज कैजुअल्टी ब्लॉक। ये है मेयो हॉस्पिटल का ओपीडी। ये हॉस्पिटल का सर्जिकल डिपार्टमेंट है। हम जा रहे हैं डीन ऑफिस की तरफ जहाँ पे हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा। ये डीन ऑफिस की बिल्डिंग है जहाँ पे यूजी और पीजी दोनों के एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होल्डिंग सर्टिफिकेट है जिसके अकॉर्डिंग हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। ये एडमिशन फॉर्म है जो हमें कॉलेज की तरफ से मिला है, ये मैंने पूरा फिल कर दिया है। अब ये डीन ऑफिस का स्टूडेंट सेक्शन है जहाँ पे यूजी और पीजी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और मैं यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रही थी, सब फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर रही थी। एंड आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई वेरीफिकेशन। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेरा भी एडमिशन हो गया और मुझे कॉलेज की तरफ से एडमिशन लेटर मिल गया। आफ्टर एडमिशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो था, दैट इज हॉस्टल अलॉटमेंट। तो अब हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। सामने जो बिल्डिंग देख रही है वो बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है। हॉस्टल के लिए हमें एक फॉर्म लेके फॉर्म फिलअप करके वार्डन के पास उसे सबमिट करना था कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब हम जा रहे हैं उन फॉर्म को जमा करवाने। फाइनली मुझे हॉस्टल अलॉट हो गया है, और ये है वहाँ के हॉस्टल का रूम। एक रूम में 4 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है। अब ये रूम बिल्कुल अनअरेंज्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी स्टे नहीं कर रहा है। ये गर्ल्स हॉस्टल का मैस है। अब मेरा एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया है और मुझे हॉस्टल भी अलॉट हो गया है, तो अब हम निकलेंगे वापस। मेरी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं है क्योंकि कोई स्ट्राइक चल रहा है प्रोफेसर्स का यहाँ पे, तो मुझे अभी वापस जाना होगा अपने घर पे। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं यहाँ पे आऊँ। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपने कैंपस के बारे में दिखाऊँगी, कॉलेज का बिल्डिंग दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ इट्स द टाइम टू से बाय टू नागपुर। बाय बाय।